आप देख रहे हैं सियासत। राजनीति में राजनेताओं के मतभेद और मनभेद की कहानी तो काफी आम है। चुनावी अखाड़े में जब नेता उतरते हैं तो आरोप प्रत्यारोप का अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता है। राजनीति के रसूखदार जब सियासी बिसात पर ताल ठोकते हैं तो अपने प्रतिद्वंदी पर वार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। सियासी अदावत की कुछ ऐसी ही कहानी चंबल इलाके के कद्दावर नेता जयभान सिंह पवैया और महल से राजनीति करने वाले सिंधिया राजवंश की है। दोनों के बीच शहमात का खेल लंबे समय तक जारी रहा, लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दल बदलकर पवैया से मुलाकात की तो दोनों के दिल मिलने में देर भी नहीं लगी। आज हम बात करेंगे जयभान सिंह पवैया और सिंधिया राजघराने की राजनीतिक रंजिश और उसके बाद हुई मेल मिलाप के बारे में। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सियासत। सियासत में जब अदावत होती है तो शून्य से शुरू होकर सत्ता के शिखर तक जाती है। तलखी जब होती है तो आरोप प्रत्यारोप का दायरा पीढ़ियों की जंग में बदल जाता है। सियासी तकरार जब होती है तो राजनीतिक अस्तित्व को मिटाने की कस्में खाई जाती हैं। हार जीत की सिर्फ रस्में ही नहीं निभाई जाती, बल्कि शहमात का खेल सियासत की बिसात पर बड़ी शिद्दत के साथ खेला जाता है। कुछ ऐसी ही राजनीतिक रंजिश की दिलचस्प कहानी है भारतीय जनता पार्टी में चंबल इलाके के कद्दावर नेता जयभान सिंह पवैया और इस इलाके में सियासी रसूख रखने वाले सिंधिया घराने की। लंबे समय तक चले सियासी मतभेद के बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और जयभान सिंह पवैया की मुलाकात हुई तो यह कहा गया कि सियासी अदावत खत्म होने के साथ एक नया समीकरण चंबल के इलाके से उभर कर प्रदेश के साथ देश की सियासत पर छा गया। रिश्तों पर जमी बर्फ जब पिघल गई तो नई सुबह का आगाज हो गया, क्योंकि जयभान सिंह पवैया एक ऐसे नेता हैं जो लंबे समय से महल की राजनीति को अपने दमखम से चुनौती देते आ रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि भाजपा और संघ ने भले ही उनको स्वीकार कर लिया है, लेकिन उनके घर में उनका विरोध बरकरार है, क्योंकि जयभान सिंह पवैया ने सिंधिया के भगवाकरण को दिल से स्वीकार नहीं किया था। सिंधिया राजघराना और जयभान सिंह पवैया की राजनीतिक रंजिश का इतिहास काफी पुराना है। 1998 के चुनाव में माधवराव सिंधिया के खिलाफ वो खड़े हुए थे और माधवराव सिंधिया काफी जद्दोजहद के बाद सिर्फ 28,000 वोटों से जीत दर्ज करवा पाए थे। सिंधिया जीत गए, लेकिन इस जीत से उनकी परेशानी पर बल जरूर आ गया, क्योंकि पहली बार उनकी जीत का फासला इतना कम हुआ था कि उनको दमदार चुनौती मिली थी। इसके बाद सिंधिया ने सीट बदल ली और गुना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने लगे। पवैया का सियासी अंदाज हमेशा से सामंतवाद के खिलाफ रहा। वे हमेशा महल पर चुन चुन कर वार करते रहे। भाजपा के शिखर पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी भी ग्वालियर से माधवराव सिंधिया को कोई खास चुनौती नहीं दे पाए थे और करीब 2.25 लाख वोटों से पराजित हो गए थे। लेकिन जयभान सिंह पवैया की कट्टर हिंदुत्व की छवि, अक्खड़ मिजाज और जमीनी स्तर पर पकड़ ने माधवराव सिंधिया को पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। 2004 का चुनाव पवैया ने ग्वालियर से लड़ा और धमाकेदार जीत दर्ज की। ग्वालियर में सिंधिया राजवंश की जड़ें हिलाने के बाद भी पवैया का मन नहीं भरा और अगले चुनाव में उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना से चुनौती पेश की। इस बार सिंधिया को कड़ी चुनौती मिली और लाखों वोटों से जीत दर्ज करवाने ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत का अंतर काफी कम हो गया। पवैया द्वारा पेश की गई चुनौती का असर 2019 के चुनाव में देखने को मिला और ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक शिष्य केपी यादव ने भाजपा से चुनाव लड़कर उनको मात दे दी। लगातार 23 साल तक सियासी अदावत का यह दौर बदस्तूर जारी रहा। अपने सियासी बाणों से सिंधिया राजवंश को आहत करने वाले पवैया विरोध के हर मोर्चे पर अव्वल बने रहे। इसी दौरान कभी दोनों दिग्गजों ने एक दूसरे की दहलीज पर कदम नहीं रखा।
लंबे समय के अंतराल के बाद जब जयभान सिंह पवैया के पिता के निधन पर ज्योतिरादित्य सिंधिया शोक व्यक्त करने के लिए गए तो दिलों में जबा गुबार पल भर में निकल गया। चंबल इलाके के दोनों सियासी दिग्गजों जो कभी अलग अलग राजनीतिक दलों में थे, दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। लंबे वार्तालाप के बाद दोनों एक साथ कैमरे के सामने आए और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, नया संबंध, एक नया रिश्ता हम दोनों ने कायम किया है। अतीत अतीत होता है, वर्तमान में हम और पवैया जी दोनों कार्यकर्ता हैं। इसके साथ ही सियासी रिश्तों का नया दौर भी शुरू हो गया और सड़कों से साम्यवाद को मिलने वाली चुनौती का भी खात्मा हो गया। ऐसी ही राजनीति से जुड़ी अदावतों के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम सियासत।